हे hey इस आज मेरे पास है रियलमी का नार्जो 50 प्रो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इसको खरीदने के पीछे के रीज़न का और इसकी प्राइसिंग यूजुअली कितनी रहती है और मैंने कितने का खरीदा तो भाई अब 2023 आ गई है और 15 से बीस हजार रुपये के सेगमेंट में एक कंप्लीट पैकेज टाइप फोन खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है अनलेस कोई डील चल रही हो और पंद्रह हजार के सेगमेंट में तो खासकर अगर आप एमोलेट लेने जाओगे तो आपको फाइव नहीं मिलेगा फाइव लेने जाओगे तो एमोलेट नहीं मिलेगा तो भाई मैं कम से कम प्राइसिंग में एक ऐसा कंप्लीट पैकेज देख रहा था जिसमें सब चीज़ें मॉडरेट मिल जाए एक अच्छे प्रोसेसर के साथ इसी सर्च में मेरी नजर पड़ी इस फोन पर जो यूजअली बीस हजार के आसपास मिलता है और बिग सेविंग डेज में मुझे मिल गया पंद्रह सोलह हजार रुपए के आसपास और बिग बिलियन डे में भी ये फोन पंद्रह सोलह हजार के आसपास मिल रहा था काफी लोगों ने खरीदा था तो भाई डील मैंने पकड़ ली और भाई रियल में की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो फोन के बॉक्स में एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर और फोन पे ऑलरेडी एक स्क्रीन प्रोटेक्टर चढ़ा कर देते हैं डिजाइन वाइज इस फोन की बैक गुड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट से बनी है और हल्का हल्का मैट फिनिश जैसा फील देती है ओल्थो फोन का कलर हाइपर ब्लैक है लेकिन डार्क ब्लू जैसा लुक भी देती है तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्लासिक टाइप की है लेकिन चीप बिल्कुल भी महसूस नहीं होती डिस्प्ले वाइज फोन में 6.4 इंच का फुल एच डी सुपर एमोलेट 90 हर्ट्ज पैनल दिया गया है गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ और पीक ब्राइटनेस इसकी 1000 निट्स तक जाती है तो डिस्प्ले इंडोर कंडीशन में काफी बढ़िया लगती है आउटडोर कंडीशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती एक्सेप्ट हार्श लाइट में थोड़ी आपको दिक्कत आएगी आउट ऑफ द बॉक्स फोन एंड्रॉइड 12 बेस्ड ऑन रियल मी यू आई के साथ आता है और कंपनी ने एंड्रॉइड 13 बेस्ड रियल मी यू आई की अपडेट्स भी रोल आउट कर दी है और ऑब्वियसली रियल मी यू के और दो हजार बाईस में इवन दो हजार तेईस में बीस से पच्चीस हजार के सेगमेंट में ये प्रोसेसर मिलता है कंपेरिजन वाइज ये स्नैपड्रैगन सात सौ अठहत्तर जी के टक्कर का प्रोसेसर है इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि एक बैलेंस्ड चिपसेट है सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देता है गुड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है इसकी और इवन ये गेम 60 एफ पर भी खेल सकता है मतलब गेमिंग बढ़िया कर देता है लेकिन हार्ड कोर गेमिंग के लिए नहीं है स्टोरेज वाइज इसमें ये किस लिए दे रखा है तो मेन कैमरा फोर के रेजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन विदाउट स्टेबिलाईजेशन और अगर आप फुल एच डी रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन मिलेगी लेकिन वो ई आई एस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी और इसका फ्रंट कैमरा सिक्सटीन एमपी का दे रखा है देखो भाई सीधी सीधी बात करूं अठारह हजार के आसपास ये फोन का कैमरा ठीक ठाक सा है और कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है आजकल तो वैसे भी यार पच्चीस हजार रुपये के आसपास जाके कोई ढंग का कैमरा फोन मिल रहा है दो तीन कैमरा सैंपल्स मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा जहां कैमरा सैंपल और वीडियो सैंपल डाल दूंगा फाइव थाउजेंड की फोन के अंदर बैटरी दी गई है जो कि रेगुलर यूसेज पे एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देती है एंड गेमर्स के लिए सबसे कूल बात 3.5 पॉइंट mm फाइव का जैक दे रखा है भाई फोन के बॉक्स में एक तेंतीस वाइट का चार्जर दे रखा है जो लगभग एक घंटे में फोन को फुल चार्ज कर देता है ये एक फाइव फोन है पांच बैंड को सपोर्ट करता है और इसके अलावा 4G कैरियर एग्रीगेशन भी फोन में दी गई है और इसके अलावा दो और बढ़िया फीचर दिए गए हैं जो अक्सर 15 से बीस हजार के सेगमेंट में फोन में रेयर ही देखने को मिलते हैं एक तो डुअल स्टीरियो स्पीकर जो कि डोअल बी एटमोस को भी सपोर्ट करता है और इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर दिया हुआ है एंड एज पर बजट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक ठाक काम कर फोन डोअल सिम है लेकिन एक बात याद रखना है इसमें माइक्रो एस डी कार्ड नहीं लगता है और इसके अलावा फोन दो ही वेरियंट में मिल रहा है राइट नाउ सिक्स जी बी रैम एंड एक सौ अठाईस जीबी स्टोरेज एट जीबी रैम एंड एक सौ अट्ठाईस जीबी स्टोरेज दो सौ छप्पन वाला अभी तक मैंने कोई वारंटी इसमें नहीं देखा है तो अभी राइट नाउ बात करूँ तो भाई तेरह चौदह हजार के आस पास के सेगमेंट में आपको काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फोन लेने में आपको चाहिए कि मॉडरेट स्पेसिफिकेशन मिल जाए एक अच्छे प्रोसेसर के साथ तो थोड़ा बजट बढ़ाकर ऐसे टाइप का कोई फोन लीजिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर डील में पंद्रह सोलह हजार रुपये के आसपास मिल रहा है और बिना डील के अठारह हजार रुपये के आसपास मिल रहा है तो भी एक अच्छा फोन कंसीडर होता है ये और याद रखेगा ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं कैमरा सेंट्रिक फोन आजकल पच्चीस हजार के ऊपर मिलते हैं तो भाई ये सब तक अगर हो सका तो एक लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद फुल दबा के यूज करने के बाद इसे एक और वीडियो जरूर डालूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बत्रा जी टेक